हेलो, आज हम एनिमल फिजियोलॉजी के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कल के लेक्चर के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने कल देखा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो फिल्ट्रेशन की यूनिट होती है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, हम एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं। हमने देखा था कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल कई चीज़ों से मिलकर बना है, जैसा कि हम कल देख चुके हैं। बोमेंस कैप्सूल में जो था डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड प्रोक्साइमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये दो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तीसरा हमने देखा था हैनलेस लूप, और चौथा हमने देखा था कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो इस प्रकार से हम देखें, प्रोक्साइमल जो है वो बोमेन कैप्सूल से जुड़ी हुई होती है, इसको शॉर्ट में हम PCT भी बोलते हैं। तो ये जो PCT है, ये जुड़ी हुई है बोमेंस कैप्सूल से, जो कि आगे चलकर हैनलेस लूप बना रही है, जिसके असेंडिंग और डिसेंडिंग दो पार्ट होते हैं। हैनलेस लूप हमने देखा था कि ये हेयर पिन लाइक का स्ट्रक्चर होता है, बालों की जो पिन होती है सिर में लगाने वाली, उस तरह का लूप होता है, और ये जाके बाद में खुलता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कलेक्ट करती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पेल्विस में जाके सारी की सारी जुड़ती है। पेल्विस कहाँ है? जो हमारी किडनी है उसके मैंडुलर रीजन में पेल्विस, उसी पार्ट को बोलते हैं करीब करीब। तो ये था, तो इसमें हमने ये देखा था कि जो ग्लोमेरुलस है उसकी सेल्स काफ़ी पतली होती है, जिसमें 200 एंगस्ट्रॉम वाइड ओपन पोर्स होते हैं, और एंडोथेलियल सेल्स जो है किसकी, बोमेंस कैप्सूल की, ये भी काफ़ी पतली भित्ती वाली होती है। इनके बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई पोर नहीं होते हैं, ताकि एक जो सेल है वो दूसरी सेल से कनेक्ट हो सके। इसके अलावा इसमें जो हमने देखा है, जो डिस्टल पार्ट है और प्रोक्साइमल पार्ट है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का, यानी ये वाला जो मोटा पोर्शन आपको शुरू वाला दिखाई दे रहा है, जो प्रोक्साइमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहला रहा है, इसकी संरचना में, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हैनलेस लूप के बाद जो मोटा हिस्सा शुरू होता है किडनी में, इसमें नेफ्रॉन में, उन दोनों की संरचना में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। इन संरचनाओं में अंतर इसलिए होता है क्योंकि इनके फंक्शंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। प्रोक्साइमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोक्साइमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जो कोशिकाएं हैं स्क्वामस एपिथीलियम की बनी हुई है। स्क्वामस एपिथीलियम हम किसको कहते हैं, अगर आपको याद हो, स्क्वामस एपिथीलियम होती है टाइल्स के समान जो संरचना होती है कोशिकाओं की, जैसे फर्श पर टाइल्स लगी हुई होती है, इस तरह से ये टाइल्स की समान जो संरचनाएं हैं कोशिकाओं की, उनको हम स्क्वामस एपिथीलियम सेल्स बोलते हैं। ये करीब करीब चपटी होती है ये कोशिकाएं काफ़ी संरचना में, और इनमें एक खास बात ये है कि इनमें माइक्रोविलाई लगे रहते हैं, यानी इसमें ब्रश बॉर्डर होता है। ये ब्रश बॉर्डर जो है ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन के काम को बहुत तेज़ कर देता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन के लिए जो सतह है या सरफेस है उसके वॉल्यूम को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इनकी संख्या जो है वो लाखों में होती है, और ब्रश बॉर्डर्स के वॉल्यूम्स की बढ़ने की वजह से एब्जॉर्प्शन में भी बहुत तेज़ी से काम किया जा सकता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये जो है प्रोक्साइमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका जो डायमीटर है ये करीब 40 से 60 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर, यहाँ भी गिन सकते हैं, 40 से 60 एंगस्ट्रॉम डायमीटर प्रोक्साइमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पाया जाता है। और इसके अलावा जो ये ब्रश बॉर्डर होते हैं वो एक करीब करीब 1 μ² एरिया इसमें करीब करीब 150 से 200 जो है वो माइक्रोविलाई पाए
पाए जाते हैं। एक कोशिका में, एक म्यू एरिया में या एक माइक्रॉन एरिया, माइक्रॉन स्क्वायर एरिया में करीब 150 से 200 माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो कि इसकी सतह की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये माइक्रोविलाई काफ़ी लंबे होते हैं और इससे, और इनके बीच में भी, इनकी बॉल तो ठीक होती है लेकिन इनके बीच में ल्यूमेन पाई जाती है, खोखले होते हैं अंदर से माइक्रोविलाई जो होते हैं। इनके ल्यूमेन इसलिए खोखली होती है ताकि ये पदार्थों का एब्जॉर्प्शन करें, तो ये इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आ सके। अब इसके बाद अगर हम देखें फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ हो गई है। अगर हम देखें यहाँ से ब्लड के साथ, हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर को फंक्शन से हल्का सा आपको आइडिया देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर का फंक्शन से क्या रिलेशन है उसका भी आइडिया आपको लग सके। कि यहाँ पर हमने देखा कि वॉल सारी पतली है, यहाँ पर हमने देखा कि जो भी स्क्वेमस एपिथेलियल की सेल्स हैं उसमें ब्रश बॉर्डर पाया जा रहा है। ब्रश बॉर्डर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को बहुत ही तेज करता है, उनके अंदर ल्यूमेन भी पाई जा रही है। अब हम आते हैं कि ये जब, ये जो हेनले का लूप है ये पतला क्यों होता है। एक बार जब ल्यूमेन फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई तो हमें उसके लिए एक प्रेशर भी क्रिएट करना है ताकि आगे की संरचनाओं में उसका प्रभाव भी हो सके और जो है पदार्थ जो है तेजी से भी आवागमन कर सके। तो ये जो हेनले का लूप है इसका प्रोसेस ये कि ये प्रेशर को मेंटेन करता है। जब हम यूरिन फॉर्मेशन पर आएंगे तब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न हो रही है। उसके बाद आइए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो मोटा वाला पोर्शन है सेम है प्रोक्सिमल जैसा, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर्स, उसकी कोशिकाएं बिल्कुल भिन्न है। तो उसमें अगर हम देखें डिस्टल यानी दूर का, तो जो बाद वाला जो पोर्शन है मोटा वाला जो कि कलेक्टिंग डक्ट से जाके जुड़ रहा है, वो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है जो कलेक्टिंग डक्ट से जाके जुड़ता है उसमें क्या होता है कि क्यूबॉइडल सेल्स पाई जाती है। क्यूब के समान या हम ये कह सकते हैं कि एक चौकोर प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। इनमें बहुत ही कम माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, उसमें बिल्कुल भी ना के बराबर माइक्रोविलाई का है। इनकी जो ल्यूमन है, बीच का जो गड्ढा है, इनका बहुत बड़ा होता है लेकिन इनकी वॉल जो है वो बहुत ही पतली होती है। तो इनकी क्यूबॉइडल सेल्स की एक खासियत होती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की। और इसमें जो है ये जो यहाँ तक जो है पोर्शन किडनी में जब पहुँच जाता है, किस एरिया में पहुँचता है, तो उसको कहते हैं हम मैक्यूलर डेंसा। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद मैक्यूलर डेंसा इस पोर्शन, ये सारे जो ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन है, जैसा हमने बताया था 200,000 नेफ्रॉन होते हैं किडनी में करीब करीब, सारे नेफ्रॉन मैक्यूलर डेंसा जो पार्ट होता है किडनी का वहाँ पर इकट्ठे, वहाँ पे उनका कौन सा पोर्शन आएगा, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स वाला पोर्शन आता है। ये वाला पोर्शन बाहर कॉर्टेक्स की तरफ रहता है और यहाँ पे सेंट्रली, मान लीजिए ये सेंट्रल पोर्शन आता जा रहा है किडनी का, मेड्यूला आता जा रहा है और मैक्यूलर डेंसा इसको कहते हैं, डेंसा इसलिए कहते हैं डेंस। तो इस प्रकार से इसमें होता है। नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का होना ये इसकी फंक्शनल कैपेसिटी को दिखाता है कि इसका कार्य कितना तेजी से होता है, जिसमें कि सारी तरह की कोशिकाएं इन्वॉल्व हैं कई प्रकार की। और दूसरी चीज़ हमें ये भी ध्यान रखनी है कि इस समय जहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तेजी से, छानने की प्रक्रिया हो रही है, तो कितनी एनर्जी लग रही होगी। इसीलिए इस पूरे रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद आइए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का फंक्शन होता है कि इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है, ये यूरिन को कलेक्ट करने का कार्य करते हैं। इसमें
इसकी ये जो सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं ये रीनल पैल्विस में जाके खुलती हैं। तो इस प्रकार से वुमेन्स कैप्सूल की जो संरचना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फंक्शंस के हिसाब से आप इसको आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम आते हैं इसकी ब्लड सप्लाई पे। जो इसकी ब्लड सप्लाई है वो जो है वो हम कल डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।